पीसीस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है नए हड़प्पा स्थल की खोज। सबसे पहले जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में कच्छ के ग्रामीणों को सोने की तलाश में हजारों वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता मिली। इस साइट की औपचारिक रूप से जनवरी में पहचान की गई और इसका नाम मोरोधारो रखा गया। चलिए अब जानते हैं मोरोधारो के बारे में। मोरोधारो, जिसे मोरोधार भी कहा जाता है, की कई विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता की अन्य गढ़वाली बस्तियों जैसे धोलावीरा से मिलती हैं। यहाँ किले की दीवारों के आयाम, एक मंच की उपस्थिति, एक कुआं, दफन गुफाएं और मिट्टी के बर्तन, छिद्रित जार के टुकड़े, आरक्षित स्लीपवेयर और टेराकोटा केक जैसे विभिन्न कलाकृतियों की खोज एक अच्छी तरह से विकसित प्राचीन बस्ती का संकेत देती है। किले की दीवारें पश्चिम में 102 मीटर और उत्तर से दक्षिण तक 58 मीटर और औसत मोटाई 3.3 मीटर है, जो रक्षात्मक वास्तुकला का उदाहरण है। दफन गुफाओं की खोज से संकेत मिलता है कि मोरोधारो में संभवतः एक संरचित दफन प्रथा थी, जो संभवतः बाद के जीवन से संबंधित सामाजिक पदानुक्रम या धार्मिक मान्यताओं की उपस्थिति का संकेत देती थी। मोरोधारो में पाई गई कलाकृतियों और धोलावीरा में खोजी गई कलाकृतियों के बीच समानताएं, जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर संबंध पर और अधिक जोर देती है। मोरोधारो हड़प्पा सभ्यता की शहरी योजना, वास्तुकला, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्रथाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। चलिए अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। परिचय। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की चार सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। सिंधु घाटी सभ्यता के चरण। प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। नगरीय योजना और विन्यास। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्य भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नान घर और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्थान जैसे लोथल और धोलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। कृषि। हड़प्पाई गाँव मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। अर्थव्यवस्था। अनगिनत संख्या में मिली मोहरे, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। शिल्पकला। हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भलीभांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टिन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहरे बनाने की विधि से भलीभांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। धर्म। टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे।
जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सिंह वाला गैंडा था, जबकि दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फैली हुई थी। दो, इस सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।